अगर आप फोर स्टेप ऑफ मार्टिनगेल पे जाएंगे दैट मींस योर अकाउंट विल गेट वैनिश। हमने 5% रिस्क लिया था प्राइमरी ट्रेड पे, जो अपना एवरेज पीरियड अपना जो भी स्ट्रेटेजी उसके थ्रू आप लोगों ने ट्रेड फेस कर दिया है यहाँ पे। So hey traders, what's up? I hope all of you are doing really really well. So this side Vipin from TradeX. This video is dedicated that on Cortex that how we can use Martingale. What actually Martingale is? Martingale आप लोगों ने देखा होगा max of the channels जहाँ पे भी आप binary options में trade करते हैं, जिसके भी signals आप apply करते हैं, even if you are doing by self, then आप लोग देखते होंगे you are in need of Martingale. Martingale को आप किस तरीके से use कर सकते हैं? What is the amount you have to keep on each and every trade? कुछ लोग बोलते हैं कि हमें twice of that amount place करना चाहिए अगर अपनी first trade loss होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें 50% of the amount place करना चाहिए। बट वॉट एक्चुअली मार्टिनगेल इज एंड कितने स्टेप्स होते हैं इसके, आप लोग मैक्स वन स्टेप फॉलो करते हैं, बट इन रियल देर आर फोर स्टेप्स ऑफ मार्टिनगेल एंड किस तरीके से हम मार्टिनगेल को यूज कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड ओवर मार्टिनगेल। सो बेसिकली नाउ आई एम एट यूरो यूएसडी पेयर। यूरो यूएसडी पेयर पे सिंपली हम लोग देखने वाले हैं, हमने यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज पीरियड अपना जो भी स्ट्रेटेजी उसके थ्रू आप लोगों ने ट्रेड प्लेस कर दिया है यहाँ पे। आई विल प्लेस विद 1% ऑफ माई रिस्क। एक मिनट के लिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया है, अगर अभी ये ट्रेड अपना 1% हमने रिस्क लिया है, अगर अपना ये लॉस होता है तो हम कितना परसेंट अमाउंट अपना जो है वो लगाने वाले हैं, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड दैट इज मेन, आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने ट्रेड प्लेस किया $3 के साथ, आप मार्टिनगेल लगाएंगे $6 या $7 का, दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर आप फोर स्टेप ऑफ मार्टिनगेल पे जाएंगे दैट मींस योर अकाउंट विल गेट वैनिश। बेसिकली हमने 1% रिस्क के साथ यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, अपना मार्टिनगेल कितना रहने वाला है, अगर हम 1% के साथ कर रहे हैं तो अपना मार्टिनगेल का परसेंट रहने वाला है 2%, क्योंकि मार्टिनगेल के साथ साथ आप लोगों को अपना मनी मैनेजमेंट को भी मैनेज करना है। अगर आपके पास एक मनी मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सेटअप नहीं है, यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रेड, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक प्रॉफिट्स इन टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। बेसिकली अगर अपना ये ट्रेड विन हो जाता है देन दैट इज वेरी गुड, बट स्टिल आई विल कंसिडर दिस एज लॉस। अपना विन होगा तो भी मैं इसको लॉस के तरीके से कंसिडर करूंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली मार्टिनगेल इज। तो बेसिकली अपना जो ट्रेड है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, हमने 5% रिस्क लिया था प्राइमरी ट्रेड पे, जो अपना ये रनिंग ट्रेड है इस पे हमने 5% रिस्क लिया है, 5% रिस्क लिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ, दैट इज अ विनिंग वन, बट आई विल कंसिडर दिस एज लॉस। अब 5% का मार्टिनगेल हमें कितना लगाना है एज इट इज, लाइक नेक्स्ट कैंडल जैसे स्टार्ट होगा इंस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमें मार्टिनगेल को प्लेस करना है। मार्टिनगेल हमें किस तरीके से प्लेस करना है दैट आई विल टेल यू। सो बेसिकली हमने 5% रिस्क लिया, वो अपना लॉस हो गया है यहाँ पे। अब लोग क्या करते हैं, आप लोगों का माइंडसेट क्या, आप लोगों की मेंटेलिटी क्या है, कि आप लोगों को पता है कि हमें ट्वाइस ऑफ द अमाउंट या फिर 2.5x ऑफ द अमाउंट के साथ मार्टिनगेल को प्लेस करना है। बेसिकली आप लोग क्या करोगे, 5% जहाँ से लाइक आप यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो, 12% आप लोग कर दोगे, 5% का डबल 10% से भी आप ऊपर 0.5% लोगे, दैट इज 12.5% नियर टू, एंड दैट इज योर मिस्टेक। आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली 5% का जो मार्टिनगेल रहेगा वो जस्ट 6% रहने वाला है। रीजन कि मार्टिनगेल हमें रिकवरी के लिए दिया गया है, ना कि रिकवरी प्लस प्रॉफिट्स के लिए। आप लोगों का माइंडसेट क्या रहता है, हम रिकवरी भी करेंगे सेम ट्रेड में प्रॉफिट्स भी बनाएंगे, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग। ये दोनों चीज जब इलेप्स होती है ना, कोलैप्स करते हैं, देन वो टोटली ट्रेड आपका रॉन्ग चला जाता है, एंड वहीं पे आप लोग का जो ट्रेड है एंड आप लोगों का जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा वैनिश आउट हो जाता है। आप लोगों की साइकोलॉजी इसी चीज की वजह से नहीं बन पाती है। मार्टिनगेल का ट्रेड आप जो एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूट करने के इंस्टेंट बाद आप लोगों ने देखा होगा आपकी मेंटेलिटी एकदम चेंज हो जाती है, फिर आप करते जाते हो कंटिन्यूअसली, जब तक वो ट्रेड विन नहीं होगा अप डाउन करते जाओगे। 5% का मार्टिनगेल मैं 6% क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 5% पे जो अपनी अमाउंट लगी थी दैट वॉज नियर टू $6, एंड अपना जो अभी अमाउंट लगेगा 6% पे दैट इज $6, $6 से $5 आराम से कवर हो सकता है। हमें पहले कवर करके ब्रेक इवन पे आना है, हमें इंस्टेंट कवर भी करना है, प्रॉफिट्स भी बनाना है, सब चीज एक साथ ऐसा नहीं करना है। हमें सिंपली करना क्या है, सिंपली अपना जो लॉस हुआ है पहले उस लॉस को कवर करना है, प्रॉफिट्स हम आगे भी बना सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू आवर हेड्स। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे डाउन के साथ अपना एक और ट्रेड प्लेस कर दिया यहाँ पे, दैट इज जस्ट विद $6, $5 का लॉस कवर करने के लिए $6 काफी है, मोर देन इनफ है। अगर आप लोग $10 के साथ जाओगे देन आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज है, यू विल बी कैलकुलेटेड इनटू एग्रेसिव प्लेयर किस वजह से, क्योंकि आपको कवर भी करना है, प्रॉफिट भी बनाना है, सब चीज एक साथ करनी है, आपका मेंटेलिटी खराब होगा, आपके ट्रेड्स खराब जाएंगे, आपका अकाउंट वैनिश होगा। मेरे पास काफी ज्यादा डीएम्स आते हैं कि आप बताते हो कि मार्टिनगेल हमें यूज करना है ड्यूरिंग वीआईपी सेशन, बट हम यूज किस तरीके से करें, जबकि मैंने वहां पे हर एक अच्छे तरीके से समझा के रखा हुआ है, आपको पिन करके रखा हुआ है मैसेज को, कि अगर आपका 5% लॉस होता है देन मार्टिनगेल आपको 6% के साथ लगाना है। बट पीपल्स क्या करते हैं, लाइक लोग क्या करते हैं, ऑडियंस करेगी सीधा 10%, 12%, 15%, एंड कुछ तो इतने ज्यादा रहते हैं कि हमें तो आपके ऊपर ट्रस्ट था, हमने 100% ऑफ द अमाउंट लगा दिया।
तो बेसिकली देखो ये आपके एड्स के ऊपर है, मैं आपको 5% का 6% बोलता हूँ, अगर आप 5% का 100% भी लगाते हो दैट इज टोटली अप टू योर एड्स। हमारे VIP के थ्रू जो भी रिफंड इनिशिएट किए जाएंगे वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। 5% का लॉस आपका मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया है, प्राइमरी लॉस इज 5%, 6% उसके बाद आपका नेक्स्ट लॉस होगा। इवन इफ मार्टिन के लॉस आपका जो कैपिटल जाएगा दैट इज जस्ट 11% के, 11% को हम इजीली कवर कर सकते हैं 2-3 ट्रेड्स में विद इज। मार्टिन गेल अपना यहाँ पे लॉस हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, विन हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। नेक्स्ट ट्रेड पे आप लोगों को क्या करना है, अभी 5% और 6% 11% आपका टोटल लॉस है। टोटल लॉस को कवर करने के लिए, 11% लॉस को कवर करने के लिए लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 22% लगाएंगे, क्योंकि कवर भी करना है उन लोगों को, प्रॉफिट्स भी बनाने हैं एक ही साथ में। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 11% को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक ट्रेड में नहीं, दो ट्रेड में नहीं, 3 ट्रेड में कवर होगा, बट कवर डेफिनेटली होगा, कम रिस्क के साथ कवर होगा, कैपिटल भी सेफ रहेगा, प्रॉफिट्स भी आएंगे एंड आपका कैपिटल भी ब्रेक इवन पे आ जाएगा। अभी 11 को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ विद इज 4% रिस्क पर ट्रेड लेंगे, आराम से एनालाइज करके ट्रेड लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ, यहाँ पे 1 मिनट के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, दैट्स वेरी सिंपल, क्वाइटली सिंपल एकदम। आप लोगों को बस क्या नहीं करना है, यही चीज है, यही आपकी मिस्टेक है कि आप लोग करते क्या हो, मार्टिनगेल में ज्यादा अमाउंट प्लेस कर देते हो, फिर आपका माइंडसेट काम करना ऑटोमेटिकली बंद कर देता है एकदम कि ये हमने क्या किया, हमने ज्यादा रिस्क ले लिया एकदम से। आपका अमाउंट जब आपको कम होता हुआ दिखेगा ना तब आपका मेंटल स्टेट ऑटोमेटिकली हिल जाएगा एंड आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली लॉस जाने लगेगा एंड आपका जो अमाउंट है वो भी वैनिश हो जाएगा। सिंपली रिस्क हमने लिया जस्ट 4% 4% की 3 ट्रेड लेंगे, तीनों ट्रेड विन जाएगी, देन इवन आप लोग प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। मेरे VIP में अगर आप लोग ट्रेड करते हो देन ये चीज एकदम सिंपल एंड एकदम क्लियर है, अगर आप लोग ट्रेड करते हो आपका लॉस होता है आप लोगों को रिफंड कर दिया जाता है। बट मेक श्योर कि अगर आप लोग हमारे साथ ट्रेड कर रहे हो देन मेक श्योर टू अप्लाई द मनी मैनेजमेंट एज वेल। जब तक आप लोगों के पास मनी मैनेजमेंट नहीं होगा एक प्रॉपर, तब तक आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे एंड ट्रेड कर भी पाओगे तो प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि बाइनरी इज टोटली गैम्बलिंग, गैम्बलिंग करना है बाइनरी में, क्योंकि अप एंड डाउन है यहाँ पे, FTT है, फिक्स टाइम ट्रेडिंग है, लगाओगे या तो जाएगा या तो आएगा। अगर इसमें रिस्क मैनेजमेंट ऐड कर दोगे तो गैम्बलिंग को ट्रेडिंग बना दोगे एंड जहां पे आपके मनी के ऊपर आपका राइट रहता है, आपका कंट्रोल रहता है, दैट मींस इंडियन स्टॉक मार्केट, वहां पे अगर आप लोगों के पास मनी मैनेजमेंट नहीं है देन आप रियल ट्रेडिंग को भी गैम्बलिंग में कन्वर्ट कर दोगे। द एवरीथिंग द टोटल थिंग व्हाट मैटर्स इज दैट इज मनी मैनेजमेंट, दैट इज रिस्क, दैट इज रिस्क परसेंटेज, दैट इज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हमने यहाँ पे सिंपली 4% के साथ ट्रेड प्लेस किया, विन गया अपना ट्रेड। ये स्ट्रेटेजी जो मैं अभी करंटली यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, दैट इज दैट हाउ यू कैन मास्टर योर ट्रेडिंग इनटू बाइनरी ऑप्शंस विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। सिंपली 4% का एक ट्रेड विन किया, दोबारा से 4% रिस्क के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे, अपना ये ट्रेड भी विन चला जाएगा, 8% कवर हो गया, मोर 4% टू कवर, इजीली कवर कर लेंगे, इजी प्रॉफिट्स में आ जाएंगे। बट यहीं पे अगर प्राइमरी ट्रेड पे मैं अगर यहीं पे $22 का रिस्क ले लेता, बाय चांस वो अगर ऊपर चला जाता अपना लॉस हो जाता, देन दैट इज अ बिगेस्ट डिसएडवांटेज फॉर अस कि हमें कवर करने के लिए अभी और भी ज्यादा रिस्क लेने पड़ेंगे, और भी ज्यादा अपना कैपिटल का जो इनपुट है वो उसमें डालना पड़ेगा। ये मिस्टेक्स आप लोगों को कभी भी नहीं करनी है एंड इफ यू हैवंट जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल येट, मेक श्योर टू जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड अवर यूट्यूब चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एज वेल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स। टेलीग्राम पे आपको हर एक मार्केट के क्रिप्टो, फोरेक्स एंड जो भी अपने मार्केट है जितने भी सेगमेंट्स, हर एक सेगमेंट के आपको लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, लेवल्स एंड पर्क्स, एनालिसिस, आपको हर एक चीज फ्रीली मिलने वाली है। मेक श्योर टू जॉइन टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, स्क्रीन पे भी पॉपअप हो जाएगी वो आप लोगों के सामने। बेसिकली हमने 2 ट्रेड स्विंग कर लिए यहाँ पे, इट मीन्स अपना जो 8% ऑफ लॉस है वो कवर हो चुका है, लास्ट 4% बचा है, आई विल गो विद अप। ऑलरेडी एंट्री हमने यहाँ पे मिस करे बट स्टिल आई विल गो विद अप। दिस इज जस्ट अ डेमो वीडियो, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ व्हाट एक्चुअली मार्टिनगेल इज। मार्टिनगेल के बेसिकली अगर हम देखते हैं पुराने टाइम से, जैसे जिन्होंने भी इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था मार्टिनगेल स्ट्रेटेजी को, बेसिकली देर आर 4 स्टेप्स ऑफ मार्टिनगेल। अगर आपका 1% लॉस होता है 2% लगाओ, 2% होता है 3% लगाओ, 3% होता है तो 4% लगाओ। बट लोगों का माइंडसेट क्या है, 5% लगाओ, 10% लगाओ, 10% लॉस हो तो 5 और 10 15 30% लगाओ, अगर 30% लॉस हो तो 45 के साथ 50 लगाओ एंड 95% ऑफ आपका अकाउंट वहीं पे चला जाएगा, 5% बचेगा, फिर देखते रहोगे अकाउंट को एंड रिफंड्स इनिशिएट कराने के लिए आ जाओगे। तो बेसिकली ये मिस्टेक को कभी भी नहीं करना, अगर आपका 5% रिस्क है प्राइमरी ट्रेड में देन मार्टिनगेल शुड बी ऑफ 6% मैक्स टू मैक्स 7%। डोंट गो विद प्रॉफिट्स, डोंट गो विद ग्रीड इंडेक्स। अगर ग्रीड इंडेक्स में फंसोगे ना एक बार, गलती से भी फंस गए तो पूरा का पूरा मेंटल स्टेट हिल जाएगा, पूरी की पूरी साइकोलॉजी की मां बहन एक बार में ही हो जाएगी, कोई फायदा नहीं रहने वाला उस चीज का।
बेटर कि मनी मैनेजमेंट के साथ चलो, दिस पर्सन जो मैं आपको गाइड करूँ उसके साथ चलो, दूसरे चैनल्स का मुझे नहीं पता, बट अगर मेरे वीआईपी में लॉस होता है आप लोगों का, देन डेफिनेटली आपको हर एक सेशन के बाद रिफंड इनिशिएट कराए जाते हैं एंड विद इन 20 मिनट्स पूरी फाइनेंशियल ऑपरेटर्स की टीम बैठी हुई है, विद इन 20 मिनट्स आप लोगों के रिफंड इनिशिएट करा दिए जाते हैं। सो बेटर कि एक ऐसे वीआईपी के साथ कनेक्ट करो एंड मेन चीज बाइनरी ऑप्शंस पे एक चैनल के साथ कनेक्ट करो एंड एक ही ऐसे लेजिट चैनल के साथ कनेक्ट करो जो आपको रिस्क परसेंट भी बताए, आपको मनी मैनेजमेंट भी बताए, आपके लॉस पे आपको सपोर्ट भी करे, गाइड भी करे, हर एक चीज आप लोगों के लिए करे। ऐसा नहीं है कि जस्ट प्रॉफिट आ रहे हैं तब तक रिव्यू लेता रहेगा, प्रॉफिट चले गए जिस दिन लॉस हो गया उस दिन आप लोगों को भूल गया, ऐसा आप लोगों को अगर कहीं पे भी देखने को मिले बेटर है कि आप लोग ना करो। अगर आप ऐसे इन चीजों में फंसोगे, कोई आपको कंपाउंडिंग दिखा रहा है, कोई आपको बग्स दिखा रहा है, आप लोग इन सब चीजों में फंस के उनके वीआईपी चैनल में एंटर करते हो, देन वो आपको रिस्क लेने के लिए कहते हैं, आप रिस्क लेते हो, आप लोग लॉस करते हो एंड उसके बाद आप लोग जाते हो दूसरे ट्रेडर्स के पास। सो बेटर एक जेन्युइन ट्रेडर सर्च करो, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ प्रॉपरली। अपनी जो ट्रेडिंग की जो मेन चीज है, अपना मेन जो की पॉइंट है जिसके थ्रू हमारी ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टेड है, देयर आर 10,000 प्लस एक्टिव कस्टमर्स एंड 1,000 प्लस एक्टिव वीआईपी ऑडियंस, वो हमारे साथ इसीलिए कनेक्टेड है, इसीलिए कोलैब करती है हमारे साथ कि उन्हें पता है अगर हमारा लॉस भी होगा तो लॉस के बाद हमें इंस्टेंट विद इन 20 टू 30 मिनट्स हमारे रिफंड्स इनिशिएट करा दिए जाएंगे एंड मैक्सिमम उन लोगों को प्रॉफिट से देखने को मिलते हैं, उन लोगों को हर एक चीजें सीखने को मिलती है, हर एक ट्रेड के बाद आप लोगों को लॉजिक देखने को मिलता है, देन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट पर्टिकुलर ट्रेड। सो बेसिकली ये सब चीजें आप लोगों को जिस वीआईपी में देखने को, आई डोंट से कि मेरे में ही आओ, दूसरे लोगों की आप वीआईपी में भी जा सकते हो, बट आप लोगों को मेन चीज जो देखनी है दैट इज कि वो बंदा लेजिट हो सबसे पहली बात तो, उसके सिग्नल्स अच्छे हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कराता हो, ऐसा नहीं है कि 10% 20% 50% कंपाउंड कोलैप्स एंड सब कुछ खत्म आप लोगों का वहां पे। एंड द फाइनल पॉइंट आप लोगों को देखना है कि वो किस तरीके से सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड हिज ट्रेड्स, जो अपने ट्रेड्स के बाद लॉजिक भी बताएगा देन दैट इज मच बेटर फॉर यू। अगर वो अपने ट्रेड के लॉजिक्स नहीं बता रहा है आप लोगों को देन दैट क्लियरली मींस कि वो ऐसे ही तुक्केबाजी में कर रहा है, एंड अगर बताता है तो प्रॉपर रीजन के साथ बता रहा है या नहीं बता रहा है, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करवा रहा है नहीं करवा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज ट्रेड्स, व्हाट इज द साइकोलॉजी ही इज यूजिंग बिहाइंड हिज ट्रेड्स, ये सब चीजें आपको एक चीज एक जगह पे, हर एक चीज एक जगह पे दैट इज ट्रेडएक्स वहां पे आप लोगों को मिलने वाली है। आप लोगों को वीआईपी में फ्री में हर एक चीज सिखाई जाने वाली है, यूट्यूब पे हर एक चीज सिखाई जाने वाली है, क्वालिटी कंटेंट्स देखने को मिलने वाले हैं एंड आई होप कि इस वीडियो में जितना डीप में जितना ब्रीफली मैंने आप लोगों को बताया है मार्टिनगेल के बारे में, आई डोंट थिंक सो कि एट ऑल यूट्यूब आप लोगों को बताया गया होगा येट कि व्हाट एक्चुअली मार्टिनगेल इज एंड इसके कितने स्टेप्स होते हैं। लोगों को आज तक यही पता है कि मार्टिनगेल का सिर्फ सिंगल स्टेप होता है, सिंगल स्टेप के बाद उसमें कुछ भी नहीं होता है, बट इन एक्चुअल देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ मार्टिनगेल, जबकि मैं तो सिर्फ 1 स्टेप ऑफ मार्टिनगेल लगवाता हूं, 1 स्टेप में भी कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 100% अपने अकाउंट्स को वैनिश कर देते हैं। बेटर कि जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हों आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, उन इंस्ट्रक्शंस के साथ ट्रेड करो, दैट शुड बी बेटर फॉर यू ओनली, जिससे क्या होगा आपका कैपिटल भी बचा रहेगा, आपका कैपिटल गेन भी होता रहेगा, आप लोग प्रॉफिट्स भी बना पाओगे। एंड सिंपली आप लोगों को मैं एक और चीज बता देता हूँ, आप लोगों को रिस्क किस तरीके से सिलेक्ट करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग प्लस माइनस के थ्रू जो भी रिस्क मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग वो रिस्क सिलेक्ट कर सकते हो टोटल कैपिटल। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि मैंने ट्रेड दे दिया आप लोगों को, आपका $100 कैपिटल है, उसके बाद कैलकुलेटर पे जाओगे 5% सर्च करोगे, वो 5% यहाँ पे स्विच करके मैनुअली एंटर करोगे एंड दैट इज टोटली फॉल्स। आपके पास यहाँ पे स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है, स्विच करो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5% सर्च करो, देन 5% लॉस हो गया, 6% पे जस्ट एक सिंगल टैप किया इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट हो गया, ट्रेड प्लेस करना है, दैट्स इट। टाइमिंग मैंने आप यहाँ पे आपको बता के रखा है, ऑलवेज यू हैव टू यूज इज दैट क्लॉक सेक्शन, यहाँ पे मैंने आपको 2 मिनट का ट्रेड दिया, सिंपली सिलेक्ट 13:36, यहाँ से अपने 2 मिनट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही मैं आपको दू अप एंड डाउन आप लोगों को सिंपली ट्रेड प्लेस कर देना है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। आई होप जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आप लोगों को जो मार्टिनगेल का जो आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट था वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। If you had good quality content, आप लोगों को कुछ नॉलेज मिले इस पर्टिकुलर वीडियो से, then make sure to like the video, make sure to watch it till end, and make sure to drop a comment under this video कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया and what are your doubts yet? अगर आपके कोई doubts आप लोग comment section में put कर सकते हैं। So that's about it, that's it for today's video. I'll see you all into next video, till then bye bye, love you all.